ओम नमो आदेश गुरु जी को, जय महाकाली। आटा गूंथते समय करें ये उपाय, ग्रह भी अनुकूल होंगे और मनोरथ भी पूर्ण होंगे। यदि आपको लगता है कि आपका परिवार बिखर रहा है, परिवार में तनाव बढ़ रहा है, तो आटा गूंथते गूंथते कर लीजिए ये उपाय। परिवार पुनः प्रेम के सूत्र में बंध जाएगा। सोमवार के दिन आप आटा गूंथते समय उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल दें। ऐसा करने से जहाँ चंद्रमा अनुकूल होगा, दूसरी तरफ आपके मन की अशांति भी दूर हो जाएगी। मानसिक शांति जब प्राप्त होती है तो समस्त रोग स्वयं ही भाग जाते हैं। मंगलवार के दिन आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। ऐसा करने से मंगल अनुकूल होगा, रक्त विकार, अतिरिक्त क्रोध की समस्याएं दूर होंगी। बुधवार के दिन आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा हरा धनिया या पालक डाल दें। ऐसा करने से बुध ग्रह अनुकूल होगा, वाणी के दोष दूर होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। बृहस्पतिवार के दिन आटा गूंथते समय आप उसमें थोड़ा सा बेसन या हल्दी डालें। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह संबंधी सभी दोष दूर होंगे, घर में सुख शांति व समृद्धि की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन आटा गूंथते समय थोड़ा सा चावल का आटा डालने से शुक्र ग्रह अनुकूल होते हैं और पारिवारिक सुख की वृद्धि होती है। शनिवार के दिन आटा गूंथते समय उसमें चने का आटा या साबत उड़द की दाल का आटा डालें। ऐसा करने से शनि अनुकूल होंगे और शनि जनित सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। रविवार के दिन आटा गूंथते समय उसमें नमक ना डालें। ऐसा करने से सूर्य अनुकूल होगा, सूर्य के अनुकूल होने से आपको यश, कीर्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि आपका परिवार बिखर रहा है तो आटा गूंथते समय आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए इस प्रकार की कल्पना करें कि जिस प्रकार से आटे के कण एक हो रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा बिखरता हुआ परिवार भी एक हो रहा है। इस प्रकार से आटा गूंथने से जहाँ आपका आटा आपके इष्ट देव का प्रसाद बनेगा, दूसरी तरफ इसके चमत्कार से आपका बिखरता हुआ परिवार पुनः एक होगा। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जो भी आपके दिल के करीब है, जिसका आप चाहते हो कि कल्याण हो, उस तक इस वीडियो को अवश्य ही पहुँचाएँ ताकि सभी का भला हो सके। तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को भी अवश्य दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। अपनी जिज्ञासाओं व समस्याओं के समाधान के लिए आप प्रातः 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।